डायनासोर एरा या मेसोजोइक एरा, यह वह दौर था जब धरती पर विशाल डायनासोर्स और रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। वे रहते थे जहां अभी हम रह रहे हैं और इसी हवा में सांसें ली जहां हम सांसें लेते हैं। जब ये सारे जीव आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तभी अचानक वे एक ऐसे दिन का सामना करते हैं जिसकी हम में से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले लगभग 15 किलोमीटर बड़ा इजिप्टा नाम का एस्ट्रॉइड अचानक हमारी धरती से आ टकराया। यह एस्ट्रॉइड मैक्सिको की खाड़ी से टकराया था। यह टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी करीब 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इस एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया और विस्फोट के कारण जो पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गए थे, वे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल के कारण आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे और उड़ने वाले डायनासोर्स को हवा में ही मार दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया, जिससे सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गईं, जिसने धरती के फूड चेन को इम्बैलेंस कर दिया। साथ ही इसकी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गई। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इन भयानक उतार चढ़ाव ने कई और प्रजातियों को भी नष्ट कर दिया। इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले तकरीबन 75% एनिमल और पेड़ पौधों की प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं और अब धरती से डायनासोर्स का पूरी तरह से अंत हो चुका था। धरती पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज्यादा वजन के सभी जीवों का खात्मा हो गया। पर इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ छोटे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। ये मैमल्स काफी छोटे थे, जो कि काफी हद तक आज के चूहों की तरह दिखाई देते थे। आगे चलकर हम इनसे ही विकसित होने वाले थे। मैमल्स बच्चे देते हैं और डायनासोर्स अंडे देते थे। हम इंसान भी एक मैमल हैं। डायनासोर्स और दूसरे खतरनाक जीवों से बचने के लिए इन्होंने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया था। ये जीव बाद में जाकर आज के आधुनिक मैमल्स के रूप में इवॉल्व हुए, जिनमें इस वीडियो को देख रहे होमोसेफियंस यानी हम भी शामिल हैं। पर इवॉल्व होने का यह प्रोसेस इतना भी आसान नहीं था, बल्कि यह कई अहम चरणों से होकर गुजरा था। डायनासोर के अंत के बाद पृथ्वी पर कैसे हुई इंसानों की उत्पत्ति, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट जल्द से जल्द चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और फैक्ट जैम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।